हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोसैडो। आज मैं लेकर के आया हूँ एमआई क्लॉक, जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को बताता है। और इसमें एक स्माइली का आइकन भी है जो कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अपने आप को चेंज करता रहता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ही दिखने में शानदार है। तो जाइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं इस डिवाइस को। इसके लिए हमें इस पेपर जिप को जो है हमें ओपन करना पड़ता है, और हम इसे इस तरीके से ओपन करते हैं। और आप देख रहे हैं ये जो है ये डिजिटल क्लॉक है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और कमाल का इसका लुक है। आप देख रहे होंगे ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा सा है, बहुत ही खूबसूरत है इस डिवाइस। और इसके साथ हमें कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, इसके बारे में मैं बता दूँ। ये जो है ये मैग्नेट है और आगे में टेप है, तो इसके थ्रू हम इसे वॉल पे माउंट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कहीं या फिर फ्रिज के ऊपर लगाना हो या कुछ मेटल वाले पार्ट्स पे हमें इसे स्टिक करना हो, तो हम इस मैग्नेट के थ्रू हम कर सकते हैं। और अगर आप इसे टेबल पे रखना चाहें तो हम इसे इस तरीके से स्टैंड का बेस दे करके हम इसे टेबल पे भी इस तरीके से माउंट कर सकते हैं। तो ये तो था ये डिवाइस, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और मैं इसमें दिखा दूं आपको, इसमें दो सेल लगते हैं जो कि इस डिवाइस को पावर देते हैं। सेल का नंबर है 2032। इस साइज़ के दो सेल चाहिए होते हैं इसमें इसे चलाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, इस डिवाइस को कनेक्ट और टाइम सिंक करने के लिए आपको अपने फ़ोन में MI का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है MI होम। और फिर उस ऐप के थ्रू इसे कनेक्ट करके आपको इस डिवाइस को चलाना होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है और ऐप के साथ हम इसे कैसे सिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी MI होम ऐप जो है वो डाउनलोड है। बिकॉज मैं MI के कुछ और भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मेरे फ़ोन में ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो विजिबल नहीं है, बिकॉज मैंने अभी पावर ऑफ कर रखा है। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कि मैं इंडिया लोकेशन से इस डिवाइस को सिंक कर रहा हूँ। तो इंडिया रीजन के लिए ये जो डिवाइस है क्लॉक का, वो इस डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए हमें जो है अपने रीजन को चेंज करना पड़ेगा इस ऐप में जा कर के, तो हम इस डिवाइस को फिर अपने फ़ोन के साथ सिंक कर सकते हैं। तो आइए मैं बता दूं, पहले हम प्रोफाइल में क्लिक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद रीजन पे सेलेक्ट करते हैं, और हम यहाँ पे कोई अदर कंट्री चूज़ करते हैं। लाइक हम सिंगापुर, चाइना, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, हांगकांग। तो आइए मैं यहाँ पर चाइनीज़ मेनलैंड ही सेलेक्ट करता हूँ और सेव करके अपने अकाउंट को उस कंट्री रीजन पे मैंने स्विच कर लिया है। और ये डिवाइस जो है ये हम होम, मेन होम पे आ गए हैं। और हम यहाँ पे आने के बाद प्लस पे क्लिक करते हैं, और प्लस पे क्लिक करने के बाद ही हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्कैन कर चुका है ब्लूटूथ के थ्रू इस डिवाइस को, और हम इस पे क्लिक करते हैं। ये ब्लूटूथ के साथ इस डिवाइस को जो है कन्फिगर कर रहा है, और फिर इसे ये कनेक्ट करके टाइम सिंक कर लेगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लिख के आ गया MI टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे ये आपसे रूम टाइप पूछ रहा है ये आपने इसे कहाँ प्लेस किया हुआ है। तो मैंने लिविंग रूम दे दिया और नेक्स्ट पे प्रोसीड कर दिया। और यहाँ पे आता है आफ्टर सेविंग योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, शेयर एट होम, और मैंने लेट्स स्टार्टेड कर दिया। और इसके बाद हम टर्म और इनके टर्म कंडीशंस को ले करके एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं। तो आप जैसा कि देखें ये डिवाइस है जो कि उस डिवाइस में ये टाइम शो करेगा, और उसके साथ ही वहाँ के सारे डेटा को जो है आप फ़ोन पे भी देख सकते हैं, और इनफैक्ट आप इस डिवाइस के ऊपर भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 33.4 डिग्री हॉट है, एंड ये जो है RS लेवल वो 57, या ह्यूमिडिटी है जो कि गुड है। तो ये जो था इस डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आप सिंक हो जाती हैं। और आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इससे जुड़े कोई भी सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।